कि पंजाब में भीड़ का ईसाई परिवार पर हमला सामने आया है। पाकिस्तान में दो ईसाई परिवार ऐसे हैं जिन पर भीड़ का कहर टूटा है। पाकिस्तान के मुसलमानों ने एक बार फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हमला किया है, एक शू फैक्ट्री को आग लगा दी है। शख्स पर यह इल्जाम लगा कि उसने कुरान पाक की बेहुर्मती की है, उसका नाम बताया जा रहा है सुल्तान मसीह, और वहां पर सर तन से जुदा के नारे लगते रहे हैं। और टीएलपी के ये नारा है वो टीएलपी तहरीके लबैक पाकिस्तान, जिसकी वजह से बहुत से बलवे और फसाद पाकिस्तान में वैसे ही होते रहे हैं। आप देख, स्टेट को इस चीज का पता है कि अगर हमने मौलवियों को तंग किया, मौलवी मारेंगे, हमें उड़ा देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, पढ़ लो तो अपना क्रिएट किया हुआ तो मजहब नहीं है ना। ये जिस इस्लाम के पीछे चलकर आप ये कर रहे हैं वो कहाँ से निकला है? वो सऊदी अरेबिया से आया ना, आप उसी को फॉलो करते हैं ना, वहीं पर आप हज करने भी जाते हैं, वहीं पर आप उमरा करने भी जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी अरेबिया में स्विम सूट पहनकर वहां पर मॉडलिंग हुई है, वहां पर कॉम्पिटिशन हो रहे हैं ऐसे लिबास में पहनकर जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। वहां पर स्विम सूट कॉम्पिटिशन हो रहा है, वहां पर फिल्में लग रही हैं, वहां पर बॉलीवुड के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। वहां क्या नहीं किया वहां पे हुकूमत पाकिस्तान, और पूरी दुनिया के सामने एक चीज जो थी जिसकी वजह से हमें हमारी जग अनसाई हुई। देखिए, हमारा इस्लाम चार चीजों पर टिका होता है, अल तकिया, दाई, जिहाद और जजिया। हमारा इस्लाम चार चीजों पर टिका होता है और ये आज से नहीं, ये प्रॉफिट के जमाने से चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक बार फिर ईसाई समुदाय को निशाना बनाया। इस भीड़ ने एक मौलवी के उकसाने पर ईसाई समुदाय के 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को पीट पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद ईसाई समुदाय से जुड़ी दुकानें और घरों में आग लगा दी गई। इस घटना में कई ईसाई घायल भी हो गए और ये पाकिस्तान में पहली बार नहीं है। आए दिन पाकिस्तान में माइनॉरिटी पर अटैक की खबरें आती रहती हैं। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने यह हमला एक न्यूज़पेपर में लिखी एक छोटा सा कुरान की आयत को कूड़े के साथ जलाने के वजह से हुई थी। पाकिस्तानी मीडिया यहाँ ये बोल रहा है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जाहिल जिहादी बैठे हुए हैं, जिनसे फौज, हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस सब डरती है। पूरी दुनिया में कुछ होता है तो जिहादी पाकिस्तान को ही जला देते हैं। एक तरफ जहाँ सऊदी, जहाँ से इस्लाम फैला है पूरी दुनिया में, जहाँ से हम मुसलमान बने हैं, वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम शो करा रहा है, सब मॉडर्न बन रहे धीरे धीरे, और यहाँ हमारे पीछे जिहादी छोड़ दिया है जो आए दिन बम की तरह जगह जगह फट रहे हैं, और हम भारत को बोलते हैं कि माइनॉरिटी पे भारत जुल्म करता है। दोस्तों, इस बात की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो क्यों कमज़ोर, और जो थोड़े से माइनॉरिटीज़ रह गए हैं, वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, उन पे हमले करते हैं और उनकी जान से ले जाने की कोशिश करते हैं। अभी कल एक वाक्या हुआ है कि एक ईसाई क्रिश्चियन जो था उसको ऊपर इल्ज़ाम लगे कि उसने कुरान मजीद जो है उसके हवाले से कोई डेसिक्रेशन की कोशिशें की। तो जब लोगों को पता चला तो लोगों ने उस शख्स को तो कानून के कटहरे में लाने की बजाय, ये बंदा अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो उसका घर भी जला दें, उसको भी मार दें, उसकी फैमिली को भी लिंच कर दें। मतलब अभी हमने सबक नहीं सीखे। अब ये क्रिश्चियन फैमिली थी, इमेजिन कर लें आप कि क्या हाल हुआ होगा लोगों का। सुनने में ये आता है कि इस फैमिली में, क्रिश्चियन जो फैमिली थी, जिस शख्स ने ये किया, लोग उसके घर में घुस गए। उस शख्स का 75 साल का एक बूढ़ा वालद था, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। इस मुल्क में कोई ऐसा अदारा नहीं है जो इनको देख सके। आपको याद होगा कि ये वाक्या है थोड़ा अर्सा पहले, जड़ावाला के अंदर पूरी की पूरी ईसाइयों की बस्ती जला दी गई। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे लोग हैं जो ना कानून पे यकीन रखते हैं, ना आईन को कुछ समझते हैं, ना इंसानी हकूक की किसी किस्म की वैल्यू रखते हैं? मतलब फैसलाबाद के लोगों के साथ जो उन्होंने जुल्म किया ईसाइयों के साथ, क्या सरगोधे वालों को नहीं पता था कि वहां पे अगर इस तरह करेंगे क्या होगा? ये टाइम बॉम्ब्स हैं, ये पूरे मुल्क में लग चुके हैं, कुछ भी नहीं होगा। ये आज ये वाक्य आज ही कहीं पर कुछ और कोई स्कोर सेटल करने शुरू हो जाएंगे लोग, क्योंकि कानून की तो वैल्यू नहीं है, वो कानून को हाथ में ले लेते हैं। मतलब ऐसी कोई पनिशमेंट आज तक स्टेट ने नहीं दी। स्टेट भी डरती है मौलवियों से, स्टेट भी डरती है मौलवियों से। स्टेट को इस चीज का पता है कि अगर हमने मौलवियों को तंग किया, मौलवी मारेंगे, हमें उड़ा देंगे। आपको क्या अंदाजा है कि जब हमने, हमारे कुछ लोगों ने, हमने तो नहीं, हमारे कुछ लोगों ने, पाकिस्तानियों ने
एक श्रीलंकन को जला दिया और उसकी वजूहत कुछ और थी, वजूहत यही थी, वो कह रहा था काम करो, टाइम ना ज़ाया करो। हमने चीनी पे हमला कर दिया, जिसने ये मेरा ख्याल है कहा था कि नमाज पे ज़्यादा वक्त ना लगाया करें, नमाज पढ़ा करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पूरा घंटा जाके बैठे रहें और वो क्या करते हैं कि अपना कचरा जला देते हैं। उसने इसी तरीके से ट्रैश जमा किया, कुछ कागज और लिफाफे और इस तरह के, और वो जला दिए। अब उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि उसने जो जलाया है उसमें एक अखबार भी था, न्यूज़पेपर भी था, और वो न्यूज़पेपर उसके अंदर कोई कुरानी आयत लिखी हुई थी, तो वो भी जला दिया उसने। और उसने ये ब्लैस्फेमी की है, क्योंकि ये जो वाकया हुआ है ये ब्लैस्फेमी चार्जेस हैं। यानी ये कहा गया है, एलिजिबली ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि कुरान के औराक जलाए गए हैं, कुरान की बेहुरमती की है तुमने, इसलिए हम तुम्हें जलाकर मार देंगे। जमा हुआ वही पागल हजूम, वही मॉब के जो जमा होता है उसके बाद मजहब के नाम पर लोगों को मार देता है। वैसा ही एक हजूम, एक मॉब फिर जमा हुआ और उसने सरगोधा में घरों को आग लगा दी। क्रिश्चियन कम्युनिटी सरगोधा, जहां पर क्रिश्चियंस के काफी घर हैं, वहां पर घरों को आग लगाई गई है, और उसके बाद उसका सामान उठा उठा के फेंका गया है। और जो शू फैक्ट्री थी उस शख्स की जिसको मारा पीटा गया और मरने के करीब वो पहुंच गया और उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, उसको भी आग लगा दी गई। अब सोचने की बात यह है कि वो शू फैक्ट्री, वहां से जूते वो जो बनाता था, वो मुसलमान भी खरीदते होंगे, वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए तो नहीं बनते थे। और वहां पर सर तन से जुदा के नारे लगते रहे हैं, और TLP के ये नारा है, वो TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसकी वजह से बहुत से बलवे और फसाद पाकिस्तान में वैसे ही होते रहे हैं। आप देखते रहे हैं कितनी जानें उस दौरान गई हैं, और कहीं पर भी, बल्कि आपको याद होगा श्रीलंकन सिटीजन को जिस तरीके से आग लगाई गई थी, जो मारा गया था, उसमें भी वहां पर भी सर तन से जुदा के जो नारे लगे थे। तो सर तन से जुदा करने की भरपूर कोशिश की गई, उस आदमी की नज़ीर मसीह जिसको मारा गया, उसकी जो वीडियोस वायरल हो रही हैं वो देखने के काबिल नहीं है, उसको अधमुआ कर दिया गया था, मार दिया गया। लेकिन कुछ खबरें ये हैं कि शायद अस्पताल पहुंचकर वो बच गया है, लेकिन मुझे इसका यकीन नहीं है कि ये सही है। एग्जैक्टली क्या कुछ घंटों के बाद पता चलेगा वाकई वो बच गया है। तो आप उसी मजहब के बिना पर ये कर रहे हैं जिस मजहब का गढ़ या जिस मजहब का माई बाप जो है वो सऊदी अरेबिया है, वही कर रहे हैं ना। आपका अपना क्रिएट किया हुआ तो मजहब नहीं है ना ये। ये जिस इस्लाम के पीछे चलकर आप ये कर रहे हैं वो कहाँ से निकला है? वो सऊदी अरेबिया से आया है ना, आप उसी को फॉलो करते हैं ना, वहीं पर आप हज करने भी जाते हैं, वहीं पर आप उमरा करने भी जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी अरेबिया में स्विम सूट पहनकर वहां पर मॉडलिंग हुई है, वहां पर कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं ऐसे लिबास में पहनकर जो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। वहां पर स्विम सूट कॉम्पिटिशन हो रहा है, वहां पर फिल्में लग रही हैं, वहां पर बॉलीवुड के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, वहां पर सलमान खान से लेकर शिल्पा शेट्टी तक सब लोग जा जाकर वहां पर कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, वहां पर सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, वहां पर जुए की दुकानें खुल रही हैं, वो इतनी तरक्की कर रहे हैं। और उसी मजहब के बिना पर, उनके मजहब को आपने अडॉप्ट किया, पाकिस्तान के मुसलमानों उनके मजहब को तुमने अडॉप्ट किया, ठीक है। और आप लोग, आप सबका ताल्लुक हो, आप सऊदी अरेबिया से तो नहीं आए, अरब से तो नहीं आए, आप उस इस्लाम की वजह से क्या कर रहे हैं? सोचने की बात ये, मैं ये, मेरा सवाल ये है कि सऊदी अरेबिया में ये मजहब, ये जो कानून है ब्लास्फेमी का, ये क्यों नहीं है?